उत्तर प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा जी हम लोगों के साथ हैं, डायनामाइट न्यूज के साथ बातचीत करेंगे। अभी अभी संसद में लोकसभा स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी को दोबारा चुना गया है, लेकिन विपक्षी दलों की चिंता यह है कि क्या पुराने टर्म की तरह वो बड़े पैमाने पर निष्कासन करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, कैसे देखते हैं विपक्षी दलों की चिंताओं को? नहीं, ओम बिरला जी को मैं अभी से नहीं, ओम जी को मैं युवा मोर्चा के कार्यकाल से जानता हूं और ये मेरे लिए एक सु अवसर था कि वो राजस्थान प्रदेश का, उनके पास युवा मोर्चे का भार था, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था और मैं 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय टीम में भी ओम जी रहे और हम लोग साथ साथ बहुत ज्यादा काम किए हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक व्यक्तित्व में शालीनता, समन्वय, सौहार्द और एकाग्रचित भावना से किसी दूसरे की बात सुनना और सुनने के बाद सकारात्मक सोच, ये गुण एक आदमी में, इतने सारे गुण एक साथ नहीं होते, लेकिन मुझे अगर कहा जाए तो ये सारे गुण ओम जी में है। और आदरणीय ओम जी बिरला मैं समझता हूं कि एक सफल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 5 साल रहे हैं, आने वाले 5 साल में भी उनका एक सफल नेतृत्व ही मिलने वाला है। दिनेश जी, दिल्ली में 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है, हमने देखा शुरुआत के आज तीसरे दिन है, में सबसे ज्यादा चिंता यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर रही। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, अपेक्षाकृत परिणाम क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए हम अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो जो हमारा अभी समीक्षा का रिजल्ट आने हैं वो अभी आना बाकी है, जो कारण उसमें पूरी तरह स्पष्ट होंगे। सतही तौर पर अगर हम आप विश्लेषण ही करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी ने 33% पाया है, हमने लगभग 42% पाया है, यानी हम उनसे आज भी 9% के आसपास, 8 से 9% के बीच में उनसे ज्यादा पाए हैं, कई लाख वोट से ज्यादा उनसे हम पाए हैं। हमारा एज है, लेकिन क्या कारण थे उस समय और किन कारणों में, स्थानीय कारणों के भी हो सकते हैं, प्रत्याशी के कारण भी हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल कम वोटिंग परसेंटेज भी हो सकता है, तमाम कारण हो सकते हैं, क्या कारण थे ये भी समीक्षा के बाद आने बाकी हैं। और बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम 2 पूरे देश में पाए थे तो उन 2 से बढ़कर आज हम 22 राज्यों में हमारी सरकार है और सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा महापौर हैं, सबसे ज्यादा सदस्य विधान परिषद या सांसद हैं। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो गया होगा और उसको हम नहीं पार कर सकते। विधानसभा चुनाव आने दीजिए, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि 2/3 नहीं, अब की 3/4 बहुमत से बीजेपी जीतेगी। एक आखिरी सवाल था, युवाओं की एक सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक। आप बहुत ही प्रतिष्ठित अध्यापक रहे हैं, सब कोई आपको जानता है, पेपर लीक कैसे रोका जाए ताकि युवाओं को जो है परेशान न होना पड़े, उनके परिजनों को परेशान न होना पड़े? आपने अगर 5 साल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में देखा होगा, नकल विहीन परीक्षा पूरे देश का नहीं विश्व का एक मॉडल बनी थी। अमेरिका तक के अखबारों ने उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति, इन वाक्यों से उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था की तारीफ की थी। हमने क्या किया था, अभी मेरी राज्यसभा में, मैं आपको अभी उसका विषय देता हूं, अभी राज्यसभा में चर्चा हुई, भारत सरकार ने एक नकल विहीन, एक पेपर लीक ना हो उसके लिए एक अध्यादेश लाए हैं। आप उठा के देखो 90% वो बिंदु हैं जिनको हमने 2018 में नकलविहीन परीक्षा के लिए टच किया था। मैंने वहां पर सीसीटीवी कैमरा पूरे जहां जहां सेंटर पढ़ने लगाए, सेंटर को पारदर्शी तरीके से करा था, यानी ऑनलाइन एक एयर सर्वे के आधार पर किया, स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट लगाए और जहां पर सरकारी विद्यालय थे उनको प्राथमिकता, उसके बाद अनुदानित को, और अनुदानित के बाद अगर कोई बच जाए तो फिर निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र दिए थे।
परीक्षा केंद्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका सही परीक्षा केंद्र हो गया और जहां पर गाड़ी पड़ जाए तो इंटीरियर में देने ही नहीं चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि जहां नकल होगी तो उनके मैनेजमेंट पे एक्शन होगा, नकल हुई तो प्रिंसिपल एक्शन होगा। हमने अध्यापक को नहीं गिरफ्तार किया, शिक्षक को नहीं किया, और सारे विद्यार्थियों का आधार से लिंक किया। मिस्टर ए की जगह जो मिस्टर बी बैठते थे उत्तर प्रदेश में बंद हो गया। और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि पेपर में इस प्रकार से बनाया कि बगल वाला व्यक्ति को दूसरा मिलता था। जैसे वे था कि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी कौन थे, एक नंबर पे क्वेश्चन है तो चौथे नंबर पॉइंट पे दूसरे पेपर में आएगा। यानी पास पास वाला व्यक्ति भी एक दूसरे की नकल करना चाहे तो संभव उसके लिए नहीं होगा। पेपर पैटर्न को चेंज किया, हर कॉपी के पन्ने पर डी कोडिंग किया, और डी कोडिंग करने के बाद सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ लेडीज जेन टॉयलेट, यहाँ पर जनरेटर और इन्वर्टर दोनों की व्यवस्था, हर विद्यालय के परीक्षा केंद्र में कंट्रोल रूम की व्यवस्था, जो पेपर खोले जाए वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थित में खोले जाए, जहां पर रखा जाए जो सील बंद पेपर को वहां भी वो वीडियो के सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत ही रखा जाए। ये तमाम चीजों को हम लोगों ने किया था, और आपको ताज्जुब होगा एक रुपये सरकार का नहीं लगाया था। जो ये केवल हमने प्रेस वार्ता में कहा कि जहां पर चार दीवारी होगी, जहां पर अच्छी बिल्डिंग होगी, फर्नीचर अच्छे इतनी दूरी पर होंगे, जहां इन्वर्टर जनरेटर होंगे, जहां लेडीज जेंट टॉयलेट होंगे, जहां सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ होगा और कंट्रोल रूम होगा, वही हम परीक्षा केंद्र देंगे। आपको जानकर ताजुब होगा ये परीक्षा केंद्र बिकते थे उत्तर प्रदेश में, और जो लोग परीक्षा केंद्र की होड़ लगती थी उन लोगों ने अपने पैसे से करा लिया, सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, सभी ने उसको वेल इक्विप्ड करा दिया। उसके बाद हमने परीक्षा कराई और स्व केंद्र समाप्त कर दिया कि डीबी कॉलेज का छात्र बैठेगा क्वींस कॉलेज में और क्वींस कॉलेज का टीचर विद्यान कॉलेज में ड्यूटी देगा। इस प्रकार की व्यवस्था, यानी पारदर्शी व्यवस्था के बाद जो रुकी, और अभी भारत सरकार ने जो बनाया है कि 10 साल 1 करोड़ रुपया और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, और जो नकल कराएंगे और जो नकल करने वाले हैं उनके लिए 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में किया है कि जो नकल कराने वाला है माफिया, शैक्षिक माफिया, तो उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। यानी अब सरकार ने सख्त कानून जो बनाए हैं, मैं समझता हूं कि अब नीट का पेपर या किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनका एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संपादन में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डायनावाइटिस से बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनके पास उच्च शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक का विभाग था, और उस दौरान इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया था यूपी की शिक्षा व्यवस्था में। इनका कहना है कि जो सख्त कानून बने हैं इसके बाद निश्चित तौर पे पेपर लीक की समस्या दूर होगी और युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने सहयोगी रोहित गोयल के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।